सोशल मीडिया पर भगवान राम पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर एकजुट हुए सर्व समाज के और साथ ही आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। सोशल मीडिया पर एक युवक द्वारा भगवान राम पर एक आपत्तिजनक पोस्ट कर दी गई, जिससे सर्व समाज की भावनाएं आहत हुई। आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सर्व समाज के लोग कोतवाली पहुंचे और आरोपी पर कार्रवाई की मांग भी की। पंडितों को रामराज स्थापित हुआ जैसे शब्दों का प्रयोग हर समय पर धर्म को विभाजित करने का प्रयोग किया गया है। अच्छा, उस बताया कि भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं और उसके द्वारा की गई खोज से हम आज हैं। तो आरोपी द्वारा अपनी खोज पर कमेंट करते हुए लिखा कि राम लगी हुई है इसमें हाथ लगा देंगे। आज हम सभी सर्व समाज के लोग यहाँ एकत्रित होकर के और ज्ञापन देने माननीय TI साहब को आए थे। और संदर्भ ये है उसका कि अभी जो कल पूरे देश में जश्न मन रहा था, हमारे आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का भूमि पूजन हुआ, सभी पूरे देश में आनंद उत्सव था। वहीं एक शिक्षक हैं रमेश चंद अहिरवार जी, उन्होंने अपनी फेसबुक आईडी पर लिखा कि अब ब्राह्मणों का साम्राज्य ब्राह्मणों का रामराज आ गया है। हमारे कुछ बंधुओं ने उनसे आग्रह किया कि आपने ये पोस्ट गलत डाली है, कृपया इसमें संशोधन करें अथवा इसको आप बंद कर दें, डिलीट कर दें। तो ये ना करके उन्होंने फिर लिखा कि राम गया तेल लेने, इस तरह के ऐसे अपशब्द उन्होंने लिखे जिससे हमारे सभी हिंदू समाज पर बड़ा आघात हुआ है। और निश्चित इस प्रकार के लोगों को, चूँकि वो व्यक्ति सास की सेवा में भी हैं, टीचर हैं, या रामपुर चीम करके एक स्थान है, वहाँ प्राथमिक विद्यालय में वो शिक्षक हैं, हम सभी सर्व समाज के लोग चाहते हैं कि ऐसे लोगों को सास की सेवा से तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और इन पर FIR होकर इनको शिक्षक पीछे होना चाहिए।